हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस क्लास इज फॉर क्लास 11, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस। एज वी नो दैट इन प्रीवियस टाइम व्हेन वी आर इन स्कूल, उस टाइम आप लोगों को पढ़ाया था कि हमने व्हाट इज एनवायरमेंट, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज द अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट इज द चैप्टर जिसमें हम पूरे एनवायरमेंट के हर चीज को समझेंगे। आफ्टर दैट हम एनवायरमेंट के हर लाइक इकोलॉजिकल सिस्टम को, अलग अलग टेरिस्टेरियल सिस्टम हो जिसमें अलग अलग इकोलॉजिकल सिस्टम आप लोगों को दिखाया जाएगा, उसके सारे स्फीयर हो, जो भी सारी चीजें हैं हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट में आप लोगों को पहले तो हमने एनवायरमेंट समझाया था, फिर इसके बाद आप लोगों को ब्रीफली बताया गया था और लिखवाया भी गया था कि क्या एनवायरमेंट है, फिर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट आप लोगों को बताया था कि किस किस टाइप के एनवायरमेंट है। फिर इसके बाद आप लोगों को वहां पे कंपोनेंट्स बताए थे। द कंपोनेंट्स आर दैट द कंपोनेंट्स आर लाइक द हाइड्रोस्फीयर वन, द लिथोस्फीयर, द एटमोस्फीयर। अब यहाँ पे देखें आप लोग इसको, आज जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट है, वो चीज बताएंगे आप लोगों को कि खासकर हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, वो चीजें हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे पहले हम थोड़ा बहुत ब्रीफ अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस की ओर ले जाएंगे तो जिसमें हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, जिनको समझाया था कि वो सारे स्फीयर, वो सारे खासकर वाटर बॉडीज जिसको हम हाइड्रोस्फीयर के अंदर पढ़ते थे, लिथोस्फीयर के अंदर वो सारे लैंडफॉर्म्स, वो सारे अर्थ सरफेस पे या बीनीथ अर्थ सरफेस पे जितने सारे हमें सॉइल से रिलेटेड या लैंड से ही रिलेटेड बोलो सारी चीजें, रॉक्स हो, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हो, लाइक माउंटेन्स हो, हमारे पास प्लेटिव रीजन हो, प्लेन एरिया हो, दैट ऑल वी वर रीड इन द लिथोस्फीयर। एटमोस्फीयर में आप लोगों को द एनवेलप ऑफ गैसेस के बारे में बताया था, जहाँ पे डिफरेंट गैसेस विच वी सी इन अवर विच वी फाउंड इन द एनवायरमेंट, जो हमें एनवायरमेंट के अंदर मिल जाता है एटमोस्फीयर के अंदर, लाइक मोस्टली द इम्पोर्टेंस आर द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोस्फीयर के अंदर, और अदर गैसेस भी लाइक आर्गन हो, अदर गैसेस, बहुत सारे ऐसे गैसेस, और इनके हमने आप लोगों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताया था आप लोगों को। थोड़ा हमने बायोस्फीयर के बारे में नहीं बताया था आप लोगों को, बायोस्फीयर के बारे में अगर ब्रीफ कराएंगे आप लोगों को तो बायोस्फीयर आप लोग देखें, बायो का मतलब लाइफ है, स्फीयर का मतलब है यानी वो जहां पे एग्जिस्टेंस जिस जगह पे है उस जगह की लाइफ एग्जिस्टेंस हो, जहां पे खासकर एनवायरमेंट, जहां पे अर्थ, जहां पे है। बायोस्फीयर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये तीन कंपोनेंट उस जगह पे मिलता है, इसीलिए बायोस्फीयर ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एक ऐसी चीजें हैं खासकर जिन्हें हम क्या कहते हैं, अगर इनको कहेंगे तो हम बायोटिक एनवायरमेंट कह सकते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट जो हम कह सकते हैं, ठीक है, बायोटिक एनवायरमेंट, सॉरी एबायोटिक एनवायरमेंट, दिस इज द बायोटिक एनवायरमेंट, दिस इज द एबायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट, नॉट बायोटिक, दिस इज द एबायोटिक एनवायरमेंट, दिस इज बायोटिक एनवायरमेंट। एबायोटिक में हमें सारा फिजिकल वाला था, लाइक पानी, हवा, और खासकर हमारे पास जो जमीन है, इन तीनों की वजह से ही हम अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, दूसरे प्लैनेट पे ये सारी चीजें कंप्लीटली नहीं मिलता। कहीं कुछ ऐसे प्लैनेट होते हैं जहां पे गैसेस की प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे प्लैनेट जहां पे खासकर आप लोगों को पानी की कमी है, कुछ ऐसे प्लैनेट जहां पे आप लोगों को जमीन की कमी है। सो दिस ऑल दैट नॉट पॉसिबल फॉर इन एवरी प्लैनेट, ठीक है, इसी वजह से सभी जो एग्जिस्टेंस है, लाइफ एग्जिस्टेंस है, हर प्लैनेट पे पॉसिबल नहीं है। सो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, लाइक बायोस्फीयर हो या हाइड्रोस्फीयर हो, लिथोस्फीयर हो, कहने का ये मतलब है कि अगर हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर होता तब जाके पॉसिबल है बायोस्फीयर, लाइफ एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि एवरी प्लांट, एवरी एनिमल्स, एवरी ह्यूमन बीइंग जो हम एनिमल्स के अंदर आता है, एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड हाइड्रो, लिथो एंड एटमोस्फीयर। प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए,
पानी चाहिए भाई, लिथोस्फीयर जमीन चाहिए भाई, हवा चाहिए, इन तीनों के बिना प्लांट खुद को ग्रो नहीं कर सकता। दे आर ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स लाइक हेटेरोट्रॉपिक। हम देखो, हम किसी को ऊपर निर्भर रहते हैं, लाइक वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड द सॉइल। सॉइल नहीं होगा तो जहाँ पे हम अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाते, हम मकान नहीं बना पाते, हम प्लांटेशन को ग्रो नहीं कर पाते, फिर खुद को जिंदा नहीं रख पाते। सो हमारी सर्वाइवल के लिए बायोस्फीयर इज मोस्टली इंपॉर्टेंट। जो हम जिस स्फीयर में हम रहते हैं, उस स्फीयर को पॉसिबल कराने के लिए हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रीवियस क्लासेस। आज हम जो आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि क्या इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट का। ठीक है, सारी चीजें यही चीजें हैं इंपॉर्टेंस, वो हम आप लोगों को थोड़ा लिखवा के आप लोगों को समझाना चाहते हैं। ठीक है, एवरी लिविंग थिंग्स हैज एनवायरनमेंट, वेदर इट इज एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हर लिविंग थिंग को, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, क्योंकि एक्वेटिक में भी एनिमल्स भी मिलते हैं हमें, फाइटोप्लैंक्टन जैसे प्लांट भी मिलता है हमें अलग अलग। ठीक है, फिशेज जैसे एनिमल्स मिलता है हमें, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एनिमल स्पीशीज वी आर फाउंड इन एक्वेटिक रीजन, एंड मोस्टली लार्जेस्ट जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज विच वी आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल यानी सरफेस पे जो हमें मिलता है, अर्थ सरफेस पे, वी आर द वन ऑफ देम, हम भी उनमें से एक है टेरेस्ट्रियल एनिमल का। सो एवरी एक्वेटिक एनिमल, बोलने का ये मतलब है कि हर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल को एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट में ये सारे चीजें लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी इसी चीज की जरूरत पड़ता है जिंदा रहने के लिए। सांस, हवा, पानी चाहिए ये। इट इज द एनवायरनमेंट दैट क्रिएट सूटेबल कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस फॉर बेटर सर्वाइवल। यही एक ऐसा एनवायरनमेंट है, हमारा अर्थ की जो सरफेस है, बीनी दर सरफेस है, जो जहाँ एक्वेटिक है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक खासकर लिविंग बीइंग खुद को एक कंफर्टेबल एग्जिस्ट कर सकता है, खुद को एक कंफर्टेबल सर्वाइव रख सकता है इसी जगह पे। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यही है एक मेन खासियत और जरूरियात इम्पोर्टेंस एनवायरनमेंट के। एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ देम, बहुत ज्यादा जरूरी है एटमॉस्फेयर का, बिकॉज इज दैट अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब हार्मफुल। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर लाइक वी से दैट एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हम वहां पे एक ऐसा जोन है जिसका हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, ओजोनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। वो एक ऐसा लेयर है जो सारे हार्मफुल रेस हो, ठीक है, जिनकी वजह से अगर वो सीधा दे अगर जमीन पे पड़ता है तो दैट इज डेंजरस फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, चाहे वो नॉन लिविंग भी, उनके लिए भी डेंजरस हो जाता है। सो द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक ऐसा लेयर है, खासकर ओजोन लेयर, ये एक प्रोटेक्शन कराने का काम करते हैं, जितने सारे हार्मफुल रेस हो उनको एब्जॉर्ब कराने का काम करते हैं या रिफ्लेक्ट कराने का काम करता है। वो हमारी जो स्फीयर में होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें हम अलग पढ़ते हैं लाइक ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, दीज आर द स्फीयर्स, ठीक है, जो हमारे एटमोसफियर के अंदर होता है। सो एटमोसफियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एटमोसफियर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सारे डैमेजिंग यूवी रेस को रोकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन स्फीयर, जिसमें ओजोनोस्फीयर होता है हमारे पास। द थर्ड वन इज द, इट इज द एनवायरनमेंट दैट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एक्टिविटीज आर पॉसिबल। हमारे जो एनवायरनमेंट है इतना क्या बोलते हैं उसको, लाइफ एग्जिस्टेंस या पॉसिबल एनवायरनमेंट है जहां की टेम्परेचर बिल्कुल रेगुलेट है, नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं फॉर एवरी बींग, एवरी लिविंग बींग नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, सभी के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर यानी मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं होता या हमारे पास एटमोसफियर नहीं होता तो क्या हो जाता है कि
या टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। जैसे कि हम ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ते हैं कि ये अर्थ पहले जब इस पे खासकर लिविंग बींग की एग्जिस्टेंस नहीं था, उससे पहले ही जब यहाँ पे अर्थ था वो बहुत ठंडा था, फिर इसका धीरे 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 यहाँ पे एग्जिस्टेंस होने के बाद अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है। सो हमारे इन्वायरमेंट टेम्परेचर को क्या करते हैं, एटमोसफेयर जो खासकर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कराने का काम करता है, इसी वजह से हम यहाँ पे रह पाते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, देखो अगर यहाँ का टेम्परेचर मोस्टली अगर 70 से ऊपर चला जाए या 60 से या 50 से नीचे की ओर चला जाए, ये प्लस में ये माइनस में चला जाए, तो हमारे लिए लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम अपनी लाइफ को एक नॉर्मली बिता सकते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमोसफियर, पार्ट ऑफ द एटमोसफियर इन्वायरमेंट की प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एवरी बायोडाइवर्सिटी, हर वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज ऑफ लिविंग बींग्स आर हियर, इवन दे आर प्लांट स्पीशीज और इवन दे आर एनिमल स्पीशीज, उन सभी के लिए हाइड्रो और लिथो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़े या आगे आप लोगों को फर्दर रॉक के टाइप्स पढ़े, वो सारी चीजें हम शुरू करने वाले हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं हो तो आप हमें क्या करें, पर्सनल कॉल कर सकते हैं आप हमें, या आप एक काम करें इन सारी चीजों को जो भी हम लिखवा रहे हैं आप लोगों को वो साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।